हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैच लाइव विद शीतल। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिली हनी पटेटो। और इसके लिए मैंने लिए हैं आलू, चार बड़े आलू लिए हैं, कैप्सिकम ली है और हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। और यहाँ पर लिया है मैंने सफ़ेद तिल और चिली फ्लेक्स। और इसको मैंने घर पर ही बनाया था, साबुत मिर्चों को कूट लिया है। और यहाँ मैंने ली है थोड़ी सी अदरक और कॉर्नफ्लावर लिया है। और यहाँ लिया है मैंने चिली सॉस, थोड़ा सा हनी और टोमेटो केचप, वाइट विनेगर एंड सोया सॉस। थोड़ा सा हम नमक भी डालेंगे इसमें। और आलू को हम फ्रेंच फ्राइज की तरह काट लेंगे और कॉर्नफ्लावर को थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए आलू को काटते हैं। सभी आलूओं को हमने इस तरह से काट लिया है और अब हम इसमें मिलाएंगे कॉर्नफ्लावर और इसको अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। और फिर इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। आलूओं में हमने अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर मिला लिया है और यहाँ पर हमने तेल गरम कर लिया है। चलिए अब इनको डीप फ्राई करते हैं। और इसमें फ्लेम को हमें हाई ही रखना है और थोड़ा सा दूर दूर डालेंगे ये हम इसमें से आलू और अच्छी तरह से पका लेंगे। हाई फ्लेम पर पकाते हुए इन्हें अच्छी तरह से पलट लेंगे और थोड़ा सा ब्राउन होने तक इन्हें पकाएंगे। हाई फ्लेम पर पकाते हुए देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं। और अब हम इनको इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए हमें इतने रखने हैं और काफ़ी क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इसी तरह से हम सारे आलूओं को भी डीप फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर। सारे आलू हमारे डीप फ्राई हो चुके हैं और देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं, चिली हनी पटेटो बनाते हैं। और वैसे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं थोड़ा सा चाट मसाला डालकर, लेकिन चलिए हम बनाते हैं चिली हनी पटेटो। पैन में ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल और थोड़ा सा हल्के से भूनेंगे इनको, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, धीरे धीरे चलाते हुए। इसी में डालेंगे हम बारीक कटी हुई शिमला मिर्च जो हमने थोड़ी सी लंबी काटी हुई है, इनको भी हम सौते करेंगे थोड़ा धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर। इनको थोड़ा सा क्रंची होने तक पकाएंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे। और इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक, इसमें हम डालेंगे थोड़ी हरी मिर्च जितनी भी आप खाएं, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़े से हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स। इन सभी को हम मिला लेते हैं अच्छी तरह से, धीमी आंच पर पकाते रहेंगे। और इसी में हम मिलाते हैं टोमेटो केचप, इसमें मिलाएंगे चिली सॉस, इसमें मिलाएंगे सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर। इन सभी को हम फिर मिला लेते हैं अच्छी तरह से। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिल चुकी हैं और देखिए कितना अच्छा फ्लेवर आया है इनका। और अब हम इनको इसमें मिलाएंगे हनी, क्योंकि ये हनी पटेटो है तो हनी तो मिलाना ही है। और इसमें अब हम मिला देंगे फ्राई किए हुए आलू, हनी सबको हम चला लेंगे अच्छी तरह से इसमें।
ये सभी आपस में अच्छी तरह से मिल चुके हैं और अच्छी कोटिंग हो गई है। तो अब ये देखिए सर्व करने के लिए तैयार हैं। चिली हनी पटेटो बनकर तैयार है और आप इसको अपने परिवार के साथ इसका आनंद लीजिए। और ऐसी ही नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय दोस्तों।